तो गाइस चेक करते हैं, सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज दिस पॉलिनोमियल। आपने 9th में भी पढ़ा है पॉलिनोमियल, आयुष आपने क्या पढ़ा है पॉलिनोमियल के बारे में? आपने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल होता है कि भाई एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, और कांस्टेंट किससे जुड़ा होगा, एक वेरिएबल से जुड़ा होगा, ठीक है, और इसके पावर में एक नंबर होगा। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल 2x to the power 4, है ना, कांस्टेंट कौन हो गया 2, वेरिएबल कौन हो गया x, और इसके पावर में जो नंबर है 4, इसे हम आगे डिग्री कहेंगे, ठीक है, बट वो क्या हो गया नंबर। समझ में आया? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 4x to the power 7, बताइए यहाँ पे कांस्टेंट कौन है 4, ठीक, वेरिएबल कौन है x, और ये जो पावर है, ठीक है, ये है 7, तो हम इस 4 को, ये जो 4 है जिसे मैंने अभी कांस्टेंट कहा, उसे हम कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। किसका कोएफिशिएंट है ये, किससे चिपका हुआ है x to the power 7 से, तो हम इसको बोलेंगे कि ये है कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 7। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बट आपसे ये पूछा जाता है कि भाई पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। सो व्हेन वी गो टू पॉलिनोमियल व्हाट डू वी लर्न। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई x to the power -3 7 क्या ये पॉलिनोमियल है, देखिए क्या था हमारा, हमारा था कि भाई सबसे पहले कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट कैसे चिपका हुआ रहेगा, एक वेरिएबल से, ठीक है, और ये वेरिएबल के पावर में कोई भी एक नंबर रहेगा। अब नंबर भी दो प्रकार के होते हैं भाई, नंबर के वैसे कई प्रकार के होते हैं, पर यहाँ आप चेक करें कांस्टेंट कितना है 7, वेरिएबल कितना हो गया x, और पावर में जो नंबर है ये नंबर कितना है -3, और यदि पावर में कभी भी कोई नंबर आता है जो माइनस है, ठीक है, तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल का एक रूल है कि पावर में हमेशा कौन सा नंबर होना चाहिए, होल नंबर। नाउ यू नीड टू नो व्हाट इज होल नंबर, होल नंबर मतलब 1 या 1 से बड़ा, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो 1 या 1 से बड़ा होता है और पॉजिटिव होता है उसे हम होल नंबर कहेंगे, और पॉलिनोमियल होने के लिए पावर में हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो आप बताइए 7x to the power -3 पॉलिनोमियल हुआ क्या, नहीं, क्योंकि इसका पावर -3 है। हाँ, यदि इसका पावर +3 हुआ रहता तो हम बोलते हैं हाँ जी ये क्या है, ये है पॉलिनोमियल, ठीक है। सो आई होप कि आपको पॉलिनोमियल की कुछ चीज़ें समझ में आ गई है। पॉलिनोमियल की पहली चीज़ ये है कि उसका पावर हमेशा कैसा होना चाहिए, होल नंबर। तो अब मैंने आपसे पूछा कि भाई x to the power -3 पॉलिनोमियल है क्या, नहीं। मैंने आपसे कहा बताइए 1+√x पॉलिनोमियल है क्या। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1+x to the power 1/2, क्योंकि √x को हम x to the power 1/2 भी लिख सकते हैं। तो बताइए ये जो है ये पॉलिनोमियल हुआ क्या, x के पावर में नेगेटिव टर्म तो नहीं है, पर 1/2 होल नंबर भी नहीं है, 1/2 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में, है ना, तो हमें यहाँ होल नंबर चाहिए, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो फिर ये दोनों हुए क्या, ये दोनों क्या हुए, ये दोनों हुए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दोनों क्या हो जाएंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में यही फर्क है कि पॉलिनोमियल में पावर जो होता है वो होल नंबर होगा, और एल्जेब्रिक में पावर कुछ भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। सो अब हम आगे, मैं आपको एक रिवाइज करवा देता हूँ कि आपने 9th में क्या पढ़ा था, सो दैट आपको ये वाला जो 10th का 2nd चैप्टर है बहुत आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा कि
आप लोग अभी घर में बैठे बैठे अगर आपके पास बुक होगी तो आप सीरियसली से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं सब लोग घर पे क्वारंटाइन में? थोड़ा ग्रुप पे मैसेज करें, मुझे बताएं, मैं बोर हो रहा हूँ। मनी हाइस्ट देख देख के पागल हो गया। तो आप लोगों ने पढ़ा है पॉलिनोमियल्स में कि पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स होते हैं भैया तीन प्रकार, ठीक है। तो तीन प्रकार में जो पहला टाइप है वो क्या है? यस, करे रिकॉल, करे रिकॉल, करे रिकॉल, करे। नाइन्थ स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। अगर आपको नाइन्थ के कंसेप्ट अभी भी याद नहीं है अच्छे से तो मेरी बात को गौर से सुनिए, आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आगे। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो पहले टाइप का जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। जो दूसरे टाइप का होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं सबके मतलब बताता हूँ एक एक करके, डोंट वरी। और जो तीसरे प्रकार का होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पेन से ना लिखते नहीं हम लोग, पापा मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है इससे। हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री वन होता है। क्या वन होता है? डिग्री। अब डिग्री कैसे पहचानेंगे? डिग्री पहचानेंगे, हमें कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, मान के चल लीजिए हमें एक इक्वेशन गिवन है कि 4x² प्लस 3x प्लस 2। अब हमें पूछा है कि भाई इस इक्वेशन का डिग्री कितना है, तो हम क्या कहेंगे? इस इक्वेशन का डिग्री है 2। क्यों 2 है? क्योंकि ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में है? ये पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में, ठीक है। और एक्स का सबसे बड़ा पावर कितना है? 2। तो जो सबसे बड़ा पावर होता है उसे हम डिग्री कहते हैं। इस पूरे इक्वेशन में एक्स का पावर सबसे बड़ा कितना है? दैट इज वाई द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। अब जैसे मैंने आपसे एक इक्वेशन दिया कि भैया 4x प्लस 2, बताइए इसका डिग्री कितना है? आप देखेंगे भैया x का सबसे बड़ा पावर कितना है? कुछ नहीं मतलब 1। तो भैया इस इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा 1। ये आपने 9th में पढ़ा है। अब मैंने एक और इक्वेशन आपको दे देना है, मान के चलिए 4x³ प्लस 7x² माइनस x प्लस 9। तो इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है 3, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है? 3। दैट इज वाई दिस इज द इक्वेशन हैविंग डिग्री इज इक्वल्स टू 3। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच यू हैव गॉन थ्रू 9th, आई सपोज। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर इट और नॉट। बट अब बेटा लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल वही है जिसका डिग्री कितना होता है? 1, समझे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए? 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए? 3। तो आप बताइए 4x प्लस 2 का डिग्री कितना है? 1। तो ये कौन से प्रकार का पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? 2। तो ये कौन से प्रकार का पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। एंड सेम गोज फॉर दिस, एनी इक्वेशन हैविंग डिग्री इज इक्वल्स टू 3, यू कॉल इट एज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको अगर पता करना है कि कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो आप कैसे पता करेंगे? आप पता करेंगे ये चेक करके कि भैया उसका डिग्री कितना है, उसका डिग्री 1 है, 2 है या 3 है, ठीक। जैसे मैंने भी आपसे एक इक्वेशन दिया, मैंने कहा कि भैया सिर्फ बताइए 3x² लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। आप देखेंगे भैया x का पावर कितना है? 2।
हाँ आगे का रहे ना रहे, एक्स का पावर मैक्सिमम 2 है और जिसका डिग्री 2 रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने अगर आपसे कहा कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपको मैक्सिमम पावर चेक करना है और कुछ नहीं करना है, टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट इज। ओके, देखिए कितना आसान है। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। इट्स जस्ट द वे ऑफ लर्निंग। हाउ डू यू लर्न, हाउ डू यू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स? बिलीव मी, मैथमेटिक्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। आई डोंट नो व्हाई मेनी ऑफ यू हैव हेजिटेशन इन लर्निंग मैथमेटिक्स। ओके नेक्स्ट, अब हम लोगों ने नाइन्थ में एक और चीज पढ़ी है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपको क्या होता था नाइन्थ में, देखिए पहले मैं लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा ऐसा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए 4x प्लस 9 गिवन है आपको, एक इक्वेशन ऐसे ही एज्यूम कर लीजिए। और आपको क्या बोला, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालिए एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्या होगा इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1? तो ये कहना चाहता है कि भाई जहां जहां पे एक्स आया है वहां पे क्या वैल्यू डाल दीजिए, 1, और चेक करिए कि क्या वैल्यू आती है। तो एक्स की जगह क्या वैल्यू डालना है, 1, तो पी ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स आ गया, एक्स की जगह क्या डालना है, 1 प्लस 9, 4 वन्स आर 4 प्लस 9 कितना, 13। तो मुझे आप बताइए p ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया, 13। आपको बोलेगा भैया p ऑफ k निकालिए, अच्छा p ऑफ k निकालना है, जैसे x की जगह पे 1 रखा था वैसे x की जगह पर क्या रखना है, k, तो ये क्या हो जाएगा 4k प्लस 9। और कुछ नहीं है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको कौन सी वैल्यू पे पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, मान के चलिए 1 पे निकालना है तो आप x की जगह 1 पुट कर देंगे, 10 पे निकालना है आप x की जगह 10 पुट कर देंगे, विच एवर वैल्यू इज गिवन यू नीड टू फाइंड, यू नीड टू पुट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन इन प्लेस ऑफ x। तो ऐसे हमने नाइन्थ में पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना सीखा था। ठीक है, हमने एक और चीज़ सीखी थी नाइन्थ में जिसे हम लोग कहते हैं ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से भी आसान है, ये तो हमने पढ़ लिया, इससे भी आसान है। अब हमें एक और इक्वेशन गिवन है, मान के चलिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x प्लस 3 गिवन है, ठीक, और हमको बोला है कि भाई इसका क्या निकालो, ज़ीरो निकालो। तो ज़ीरो निकालने के लिए आपको एक ही चीज़ करना है, जिस भी पॉलिनोमियल का आपको ज़ीरो निकालना है आपको उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो से इक्वेट कर देना है। ठीक है, जैसे मैं लिखूँगा कि 9x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, फिर मैं देखूँगा 9x, ये प्लस 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लिकेशन में है 9, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/3। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/3। तो ये जो वैल्यू आई x की -1/3, ये क्या हो गया, ये हो गया ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका ज़ीरो आंसर आ जाएगा, और इसीलिए इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो। चेक करना है, चेक करते हैं, ये क्या है 9x प्लस 3, तो ये x की जगह में ये अलग वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखते हैं ज़ीरो आता है कि नहीं आता है। तो हो जाएगा 9 इंटू -1/3 प्लस 3, ठीक है, क्या मिलेगा, 3 1 3 3 3 9, और ये 3 इंटू -1 -3 प्लस 3, देखिए आ गया ज़ीरो। तो ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपने उस पर्टिकुलर इक्वेशन को ज़ीरो से इक्वेट कर देना है, फिर एक्स का वैल्यू निकालना है,
और ये एक्स को ही हम क्या बोलेंगे, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है। ये भी आपने नाइन्थ में पढ़ा है। जैसे मान के चलिए एक और हम इक्वेशन, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो। एक और इक्वेशन अगर हमने ले लिया, मान के चलिए हमको पी ऑफ एक्स गिवन है 2x माइनस 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड द जीरो ऑफ द अबव पॉलिनोमियल इक्वेट द अबव पॉलिनोमियल विथ जीरो। आपको इसका जीरो निकालना है, तो आपने इसको ये इज इक्वल्स टू जीरो लिख दीजिए, 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू जीरो। 2x सही रहेगा, माइनस 12 इधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन से इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल गेट 6। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 6। मतलब आप ये 6 वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। चेक करिए x का वैल्यू 6 पुट करिए, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 6 माइनस 12, देखिए 0 आ रहा है, ठीक। सो दैट इज वॉट यू हैव गॉन थ्रू इन द 9th स्टैंडर्ड टू फाइंड द जीरोस। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, और ये लेक्चर के बाद मैं आपको ये गारंटी ज़रूर देता हूँ कि आप 10th स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज 2.1 विदाउट एनी हेजिटेशन एवे ओरली सॉल्व करने कर पाएंगे। दिस इज माई बेट। और ये वीडियो इधर उधर देने का नहीं है, ये खास तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, मेरे भाई लोग और मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहनें। भाई लोग कैसे सब, बढ़िया। क्या चलेगा अभी, नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या था? हाँ चलिए अब हम देखते हैं कि हम लोग अब क्या करें। अब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है कि आपको एक इक्वेशन गिवन होगा और आपको उसका ग्राफ बनाने का। कैसे बनाएंगे ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाएंगे? चलिए मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ और एक एग्जाम्पल मान रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है, कौन सा इक्वेशन गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, और आपको बोल रहा है कि इसका ग्राफ बनाइए। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अरे इसका ग्राफ बहुत आसान है, हमने एक y एक्सिस लेना है, हमने एक x एक्सिस लेना है, ठीक है, और हमने क्या करना है, इसका टेबल बनाना है। हमने x का वैल्यू पुट करना है, पहले x का वैल्यू पुट कर दीजिए 1, ठीक है। x का वैल्यू 1 पुट करने पे p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू मैं खुद से 1 पुट कर रहा हूँ, तो p ऑफ 1 क्या हो गया, 4 × 1 + 3, दैट इज 4 × 1 = 4 + 3 = 7। अब मैं p ऑफ 2 निकालता हूँ, मतलब जब x का वैल्यू कितना है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, तो p ऑफ 2 कितना आ जाएगा, दैट इज 4 × x की जगह 2 + 3। ये इक्वेशन में हम x की जगह पहले 1 पुट किए, फिर इक्वेशन में x की जगह 2 पुट किए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 × 2 = 8 + 3 = 11। समझ में आया? पी ऑफ 0 भी पुट करके देख लेते हैं, अगर 0 पुट किए तो क्या हो जाएगा। सो 4 × 0 + 3, 4 × 0 = 0 + 3 = 3। अब हमको क्या करना है,
एक्स की वैल्यू हमने क्या ली, एक्स की वैल्यू हमने ली यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0। तो जो एक्स की वैल्यू है वो हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे और जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो हम वाई पे, मतलब वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। जैसे जब हमने एक्स का वैल्यू 0 पुट किया, जब हमने एक्स का वैल्यू 0 पुट किया तो आंसर कितना आया 3। तो x को 0 मतलब ये वाला और p ऑफ 0 मीन्स 3, मतलब 1, 2, 3, मतलब एक पॉइंट हमें ये मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं मान के चलिए, या 1 ले लेते हैं। जब x का वैल्यू 1 था तब p ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया 7, यानी 3, 4, 5, 6, 7, यानी समवेयर अराउंड हियर। तो ये हमारी एक लाइन बन गई, ग्राफ मैंने थोड़ा सा अभी रफ में बनाया है। तो ये जो लाइन मिली है दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड ग्राफ। क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है ये वाले क्वेश्चन में। और आप चेक करेंगे कि ये वाला जो इक्वेशन से हमने जो ग्राफ बनाया है ये एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, सिर्फ एक बार। ठीक, इसका मतलब है इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे वो एक ही रहेगा, इसका जीरो एक ही आएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा ही मान के चलिए एक और इक्वेशन हमें गिवन है। अब हमें इक्वेशन क्या गिवन है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x+7। ठीक है, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले x की वैल्यू 1 लेंगे और लिखेंगे पी ऑफ 1, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1, कितना आता है। तो हमने x की वैल्यू 1 लिया, p ऑफ 1 निकाला, 7 × 1+7 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। हम x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो हमको मिलेगा p ऑफ 0 दैट इज 7 × 0+7 दैट इज 7। अब हम ये दो पॉइंट से भी हमारा ग्राफ बना सकते हैं, y एक्सिस, आपको पता है x एक्सिस पे ये वैल्यूज लेना है और इनको पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमने y एक्सिस पे लेना है। तो मैं ये ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4 और मैं यहाँ ले लेता हूँ क्योंकि ये नंबर बड़े बड़े आ रहे हैं, मैं यहाँ ले लेता हूँ ये 5, ये 10 और ये 15। तो जब x का वैल्यू 1 था मतलब ये, तो y का वैल्यू मतलब p ऑफ 1 का वैल्यू आ गया 14, मतलब समवेयर अराउंड हियर। जब x का वैल्यू 0 था तब y का वैल्यू आ गया 7, मतलब ये 5, 6, 7 इधर कहीं। तो हमने देखा कि इससे ये लाइन बन जाएगी, ये वाली लाइन, ठीक है, ये दोनों पॉइंट से पास होके लाइन बन जाएगी। और हमने देखा ये क्या बन गया हमारा, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ। सो ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन फॉर क्लास 10th। अब एक और चीज मैंने आप लोगों को बताया कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, रिकॉल करिए, पॉलिनोमियल होते हैं 3 टाइप के, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होता है 1। फिर हमने पढ़ा लीनियर के बाद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए 2। फिर हमने पढ़ा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिकल, और क्यूबिकल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसका डिग्री कितना होता है बेटा 3। मतलब डिग्री देख के आप पता करते हैं कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अब आपको क्वेश्चन कैसा है कि भैया ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, एक इक्वेशन दे दिया है आपको, ऐसा बोला है कि हमने नहीं किया, कोई तो भी इक्वेशन को पकड़ के लाए, वो इक्वेशन से ग्राफ ऑफ बनाए तो ऐसा ग्राफ बना। अब हमको ग्राफ देख के बताओ, बोलता है कि इसके कितने जीरोज होंगे, जीरो निकाले ना हमने, जैसे हमने अभी एक इक्वेशन का जीरो निकाला था कि भैया 3x+9 का
कितने जीरोज हैं, तो हम क्या करते थे इसको इक्वेट कर देते थे जीरो से, तो हमको मिलता था 3x = -9, तो x = -3, तो एक ही जीरो आया ना, वैल्यू कितनी आई, x की जितनी वैल्यू आएगी उतने नंबर ऑफ जीरोस उसके पास में रहेंगे। जैसे यहाँ x की एक ही वैल्यू आई -3, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हुए, 1। तो जितनी x की वैल्यू आएगी उतने नंबर ऑफ जीरोस। और ग्राफ में आप क्या करेंगे भाई, x एक्सिस को ये ग्राफ काट रहा है क्या, हाँ यहाँ काट रहा है ना, कितने बार काट रहा है, एक बार, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1। ठीक है, अगर एक इक्वेशन ऐसा बोल रहा है कि भाई ग्राफ ऐसा है, तो आप चेक करेंगे x एक्सिस को ये ग्राफ कितने बार काट रहा है, एक बार और दो बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके लिए, 2। दैट इज सिंपल मैन, ये सब ट्रिक्स है। एक और चीज़ बताता हूँ, अब जैसे एक और इक्वेशन अगर आपको गिवन है, मान के चलिए आपको एक और ग्राफ गिवन है, ऐसा ऐसा और ऐसा, आपको बोला कितने नंबर ऑफ जीरोस है, आप क्या करेंगे, एक बार काटा x एक्सिस को, दो बार काट दिया x एक्सिस को, तीन बार, नंबर ऑफ जीरोस 3। आपसे बोला भाई ये एक इक्वेशन है लाइन का ऐसा, आप देखेंगे x एक्सिस को कितने बार काट रहा है, सब छोड़ देने का, x एक्सिस को एक बार काट रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस 1। ये एक और भलता सा ग्राफ बनाता हूँ मैं, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है गाइस, एंड इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट, मैथ्स इज वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर। आप लोग टेक्नोलॉजी गीक्स हैं, आप लोग वो सब काम कर लेते हैं जो आपके माँ बाप को, बड़े बड़े लोगों को करने में दिक्कतें आती है, तो ये सब काम बहुत आसानी से हो जाएगा आप लोगों से, सिर्फ ऐसा है कि आप लोग को प्रॉपर तरीका नहीं पता है कैसे करना है। तो घबराइए मत, यहाँ चेक करें x एक्सिस को इस ग्राफ ने कितने बार काटा, ओ तेरी, एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, ये चार बार, तो नंबर ऑफ डिग्रीज कितनी हो गई, 4। तो अगर आपको नंबर ऑफ डिग्रीज नहीं, नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी क्या 4 हो गए, नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस वो वैल्यू होती है x की जिसे आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। आप अभी चेक करें, एक्सरसाइज 2.1 इज कंप्लीटेड। प्लीज गाइस, आई वांट टू टीच मैथमेटिक्स आल्सो, आई वांट टू नो कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। मैं ग्रुप पे आपके फीडबैक्स का वेट करूँगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, और थोड़ा बहुत पबजी वबजी खेल सकते हो यार, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।